Hello all, this is Dr. Ambika and I welcome you all to my channel Health and Fitness with Dr. Ambika. आज कोरोना की वजह से हमारा पूरा देश एक बहुत ही नाजुक और गंभीर स्थिति में है, जिसमें हम सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन और मेडिसिन की कितनी स्कैर्सिटी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो गई है, इसलिए सारे कोविड पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा सकता। मोर देन 90% केसेस जो कोरोना के हैं वो माइल्ड पेशेंट्स हैं, मतलब इन पेशेंट्स में ब्रेथलेसनेस और ऑक्सीजन की शॉर्टनेस नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे पेशेंट्स का घर पर बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। बल्कि हॉस्पिटल ना जाकर आप अपने आप को हॉस्पिटल के इंटेंस एक्सपोजर से बचा सकते हैं। कोरोना के सिम्टम्स हैं फीवर, थ्रोट पेन, ड्राई कफ, रनिंग नोज, बॉडी एक, मलेज, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। लेकिन जो सेकेंड वेव कोरोना का आया है उसमें पहले वाले सिम्टम्स के साथ साथ कुछ नए सिम्टम्स भी पाए गए हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स एंड फिंगर्स, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, स्किन रैश, हेडेक। अगर इन सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स आपको खुद में दिखे या फिर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आप इन सारी बातों को फॉलो करें। सबसे पहले खुद को आइसोलेट कीजिए। उस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए और सन एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। जब भी हम पैनिक होते हैं, टेंस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है वो डाउन हो जाता है, शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए रिलैक्स कीजिए, खुद का माइंड डाइवर्ट करके खुद को पॉजिटिव रखिए। ऐसा करने से आपकी रिकवरी जल्दी होगी, बट अगर आप पैनिक रहेंगे तो खुद को आप सीवियर लेवल की तरफ पुश कर रहे हैं। अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहें। इस चीज़ के लिए थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर हैंडी रखें। टेम्परेचर 4-4 घंटे पे चेक करते रहें और ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर रहे ये चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आता है तो वो डेंजरस साइन है, तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अगर आपको डायरिया है तो ये मॉनिटर करें कि कितना फ्लूड लॉस हो रहा है आपका। कोविड पेशेंट्स में फ्लूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 24 घंटे में 2-3 लीटर तक पानी पिए। अनटिल अनलेस आपको कोई हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर ने फ्लूड रिस्ट्रिक्शन पे रखा है, स्टीम ले, वॉर्म सलाइन गार्गल्स करें। रेस्ट करना ज़रूरी है लेकिन दिन भर लेटे ना रहें, कुछ मूवमेंट्स करते रहें। हाई प्रोटीन डाइट लें, ज़्यादा तला हुआ ना खाएं, लो कार्ब लो फैट खाना खाएं, जंक फूड एकदम अवॉइड करें, फ्रेश फ्रूट जूस लें, फ्रूट्स खाएं। इन सारी बातों के साथ ये बात ध्यान रखनी है कि घर के बाकी लोगों को आपसे इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए आप अपनी चीज़ों की मिक्सिंग, जैसे कि आपके कपड़े, बेड लिनन, यूटेंसिल्स आपके रूम में ही रखें, बाहर की चीज़ों के साथ ना मिक्स करें। सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट घर पे हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट करके। थैंक यू।